I want to go across to Shivraj Singh first, president of the Bharatiya Kisan Union, and first just give our viewers a sense of what's happened. In the dialogue that's been concluded so far, the government has suggested that there be crop diversification in states like Punjab, a five-year contract for five additional crops. Tur, which is arhar, urhad dal, masoor, maize and cotton at a minimum support price. A contract for 5 years, locked in through a body like NAFED, that's National Agricultural Cooperative Marketing Federation, or the NCCF, National Cooperative Consumers Federation. These are solid cooperatives, a five-year contract. And I want to get our first guest, Shivraj Singh, to explain ki sir, sarkar ka jo ab tak ka prastav hai, usko kisan kyun nahi maan rahe? Kyunki इस प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 5 साल का किसानों को लॉक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक बहुत जानी मानी संस्था जैसे नाफेद के साथ, और उससे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लॉक हो जाएगी. सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम बहुत ही हद से आगे जाकर किसानों को ऑफर कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो एक्सेप्ट कर लें, फिर भी किसान इसको क्यों ठुकरा रहे? जी धन्यवाद आपका, और सरकार जो भी 2 कदम आगे बढ़ा रही है उसका हम स्वागत करते हैं. किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन 5 फसलों के लिए सरकार कह रही है, मक्का है, उड़द है, मसूर है, कपास है, इनको सबको जो जंगली जानवर है, घड़रोज है, नीलगाय है, ये इतना नुकसान करते हैं दलहन में और कपास में कि उसकी खेती किसान कर नहीं पा रहा है. अगर किसान दलहन की खेती कर रहा है तो नीलगाय रोज उसे चढ़ जाते हैं. आज जंगली जानवरों की इतनी समस्या है, कहीं हाथियों का, कहीं बंदरों का, कहीं जंगली सुअर का, कहीं गाय का, कहीं घड़रोज नीलगाय का. उसके लिए हमने एक मांग की थी, जैसे BSF होती है उसकी तर्ज पर ASF का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल. उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो खेती है जिसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसमें बचत भी होगी और दलहन को बढ़ोतरी भी मिलेगी, विदेश से हमें आयात भी नहीं करनी पड़ेगी. किसान को, जब किसान गेहूं और धान पे क्यों आया, क्योंकि जब जंगली जानवरों से हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. नहीं बट आप ये मानेंगे ना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि पंजाब जैसे राज्य में पानी का स्तर लगातार घट रहा है, जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा लगातार बढ़ रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है, ऐसे में अगर हम क्रॉप पैटर्न को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, तो उससे तो न केवल किसानों को फायदा है, देश को फायदा है, हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा है. मैं तो खुद ये चाहता हूं कि किसान जो है फसल चक्र के हिसाब से फसल उगाए. अगर हम धान और गेहूं ही करते रहेंगे तो फसल चक्र नहीं बनेगा. लेकिन मजबूरी मैंने बताया ना जंगली जानवरों की. पहले हम जो दलहन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, उसको जंगली जानवरों से कैसे रखाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले कृषि सुरक्षा दल का गठन करना पड़ेगा. ओके, जस्ट होल्ड दैट थॉट फॉर अ मोमेंट. आई वांट टू गो अक्रॉस टू प्रोफेसर रमेश चंद. एज आई सेड, वी विल ट्राई टू डू अ लाइव डायलॉग विद इंडिया टुडे, ट्राइंग टू प्ले टू द एक्सटेंट पॉसिबल द रोल ऑफ अ बायपार्टिजन न्यूट्रल ऑब्जर्वर and a facilitator of this conversation. So Ramesh Chanji, the first question from the farmer unions that, okay, tur, urad, masoor, maize, cotton, this is good, but animals attack these crops, and therefore, while they appreciate the offer of a minimum support price, they're saying till the time there is some kind of a krishi security force which is warding off these animals, it won't work because the jungli janwar will simply eat their crop away. How do you respond to that, Ramesh Chanji? Rahul ji, problem of wild animal and stray cattle is very serious in many parts of the country. I don't deny that. But this offer of assured MSP 5-year contract was for the state of Punjab. It was not for entire country. So when you come to Punjab, wheat crop is as susceptible to animal as is any other crop. So I think in major part of Punjab, except small Kandi belt, this problem of livestock damaging crop is not there. So they are already in Rabi season sometime growing some maize. They are already growing summer moong.
They were also growing cotton. There are some problem because of which they are not, they have a reduced area under this. So while I fully agree with the respected farmer leader that in Uttar Pradesh and many parts of the country, this stray cattle and wild animal are a problem and we need a solution for that. But in the context of Punjab, that is not a factor.